हेलो गाइस, वेलकम टू माय रॉकी टेक एडवांस एडवाइस चैनल। आज का टॉपिक में हम सबके सामने लेके आ रहा हूँ एक्सेल का एक टॉपिक है, बहुत बेटर बहुत इम्पोर्टेंट एक्सेल का फॉर्मूला, 3 फार्मूला लेके आ रहा हूँ। इसका नाम है PMT, IPMT, PPMT। ये फार्मूला कई बार फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर में इस्तेमाल करने वाला फार्मूला होता है। आप अगर बैंकिंग का कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, कम से कम ये फार्मूला कंपलसरी सीखना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी सीखने वाला फार्मूला से एक है। हम आपके सामने ये तीनों फार्मूला को चलाने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे सिखाऊंगा। पहले मैं एक्सेल की तरफ आ रहा हूँ और पहले सराय हुआ फॉर्मूला को सभी डिलीट मार दूँ। पहले हमने कुछ यही लोन का फॉर्मूला रेंडमली पुटअप करके रखा हूँ। मान लो लोन अमाउंट 1 लाख रुपीस, इंटरेस्ट पर मंथ 12%, नंबर ऑफ पीरियड ये मैंने 24 महीना रखा हूँ और इसमें साल में भी रख सकता हूँ। PPMT का मतलब होता है EMI, मतलब हर महीना हम लोग जैसे कि इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ के हर महीना किसी लोन से उधार लेकर तो हम इसको EMI देता है, वो इसका एक महीना का पूरी हिसाब आता है, वो इसको कहता है PMT फॉर्मूला। ये EMI के रूप में भी जाना जाता है। और ये प्रिंसिपल PPMT का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे कि एक महीना में कितना प्रिंसिपल अमाउंट अलग से जोड़ के देना पड़ता है। ये IPMT का मतलब इंटरेस्ट अमाउंट, जैसे कि अलग से कितना इंटरेस्ट देता है इसको, वही ये प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब ये इंटरेस्ट के साथ पूरा उसी लोन का प्रिंसिपल वैल्यू का फॉर्मूला निकालता हूँ। मैं अभी शुरू करूँगा PMT EMI का एक महीना का एंट्री। मैंने स्कोल 2 को फॉर्मूला लगाया PMT, ब्रैकेट ओपन, रेट पूछ रहा है। रेट मतलब हमने किसी परसेंट में उसको लोन के रखा हो, मतलब मान लो 12%। हमने ये EMI को 12%, मतलब एक साल का 12% है, उसको भाग करेगा। हम कितना EMI निकालना चाह रहे हो एक महीना का, ना एक महीना का जो एक साल का उसका 12% में एक महीना का निकालने से 12, एक साल में 12 मन होता है, 12 को भाग करेगा, कामा एन पर, मतलब नंबर ऑफ पीरियड हम 24 महीना का निकालना चाह रहा हूँ, 24 महीना आ रहा हूँ, इसको एन पर मतलब 24 महीना है, इसको फिर कामा लास्ट में प्रिंसिपल वैल्यू को दबाया और ब्रैकेट बंद, इसको आ रहा है 4707.35 आ रहा है। इसको माइनस क्यों आ रहा है, मतलब माइनस को हटाने के लिए हमने लोन अमाउंट के D5 सेल के पहले माइनस साउंड लगा। हमने मैथ्स में पढ़ा है कि माइनस का माइनस इंटू करेगा तो प्लस आता है, तो इसी सेम फॉर्मूला में यहाँ पे इस्तेमाल होता है। बस अभी माइनस गायब हो गया। ऐसे होता है ये PMT का EMI फॉर्मूला। फिर मैं PPMT का बताऊंगा। स्कोल 2 PMT PPMT ब्रैकेट ओपन, रेट पूछ रहा है 12% डिवाइडेड बाय, भाग करेगा 12 महीना में, कामा पर, मतलब कितना महीना का निकालना चाह रहा हूँ, यही पूछ रहा है। पर मतलब कितना महीना निकालना चाह रहा हूँ मैं, एक ही महीना
शुरू का महीना में निकालना चाह रहा हूँ। जैसे एक लिख लिया और फिर कामा एन पर, मतलब कितना नंबर ऑफ पीरियड है 24 महीना, फिर कामा प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, लास्ट में लोन अमाउंट, फिर ब्रैकेट बंद। ऐसे भी आ रहा है और ये हमने पहले बोला था ये माइनस, सामने माइनस के सिंबल लगाऊंगा फिर माइनस गायब हो जाएगा। अभी आ रहा है पीपीएमटी का रिजल्ट आ रहा है। अभी नेक्स्ट में आईपीएमटी मतलब इंटरेस्ट, यही लोन 1 लाख के लोन पे एक महीना में कितना लोन इंटरेस्ट देना चाह रहा हूँ वही निकालना चाह रहा है। स्कोल टू का सिंबल आईपीएमटी मतलब इंटरेस्ट का कितना महीना में इंटरेस्ट वही निकालना चाह रहा हूँ। ब्रैकेट ओपन रेट पूछ रहा है 12% एक महीना का निकालना चाह रहा हूँ, इसलिए 12 में भाग करूँगा कामा पर एक महीना का, कामा एन पर कितना महीना का 24 महीना का, कामा प्रिंसिपल अमाउंट 1000 का, उसका पहला इंटरेस्ट पेमेंट आ रहा है। मैं फिर भी माइनस का सिंबल लगा भूल गया वही लगा रहा हूँ। अभी चेक करूँगा ये प्रिंसिपल वैल्यू को फॉर्मूला लगा के ये सही है कि नहीं चेक करूँगा। इक्वल टू पीवी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रैकेट रेट 12% कामा एन पर 24 कामा पीएमटी, हमने पीएमटी निकाल के रखा है ये वाला, कामा फ्यूचर वैल्यू मतलब इसको फ्यूचर में कितना वैल्यू रहेगा। फ्यूचर में तो लोन सब दे देगा तो ज़ीरो रहेगा ना, वो ज़ीरो लिखेगा, गलती हो गया। पीवी ब्रैकेट ओपन रेट बारह एन पर कामा पीएमटी कामा फ्यूचर वैल्यू ज़ीरो, बस आ रहा है 1 लाख के लोन लिया था वही 1 लाख आ रहा है, मतलब ये फॉर्मूला सब सही है। वही ये डॉलर का सिंबल आ रहा है, इसको हटाने के लिए यही ये जगह पे आइए करेंसी में, करेंसी में आके इसमें मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में आके ये सिंबल को हम इंडियन रुपी कहा गया, इंडिया रुपी हिंदी हिंदी हाँ हिंदी मिल गया, बस फिर ये माइनस का सिंबल आ रहा है इसको माइनस का सिंबल हटाएगा, नहीं हट रहा है, हाँ हट गया। हेलो दोस्तों, आज का यही फॉर्मूला सबको पता चला होगा, अगले वीडियो पे आएगा लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल का। धन्यवाद, आज के लिए यही है।